हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अजर्शन, मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. प्लैटिहेलमिंथ्स जो होते हैं ना, इसके मेंबर को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है. फ्लैटवर्म कहने का रीजन क्या है? फ्लैटवर्म कहा जाने का रीजन ये है कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होते हैं. ठीक है, अगर आप डॉर्सली और वेंट्रली इनको देखें, डॉर्सो वेंट्रली कैसे होंगे? फ्लैट होंगे. ठीक है, ये प्लैटिहेलमिंथ्स के बारे में है कि ये डॉर्सोवेंट्रली कैसे होंगे? फ्लैट होंगे. और आप यहाँ पर क्या देखते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ एसीलोमेट होते हैं. इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं मिलती, हुक्स एंड सकर्स मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली ये कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कहा गया है कि फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, ये करेक्ट है. रीजन में दिया है दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये भी करेक्ट है. ठीक है, अजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं अजर्शन को, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ. बोथ अजर्शन रीजन आर दी ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं बोथ अजर्शन रीजन आर दी ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, इनकरेक्ट है. अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इनकरेक्ट हो जाता है. अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 42 पर गिवन है. थैंक यू.